बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद पर। मैं हूं सैयद जाफ़र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद गुड़िया। व्यूअर्स, आप लोगों दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप भी खैरियत से हों। आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आप मेरी वीडियो आगाज़ करते हैं इसी नेक दुआ के साथ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी कराची सब्ज़ी मंडी में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है और सबसे ज़्यादा सस्ती सब्ज़ी मंडी है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर भी जो ना यहाँ से चीज़ें जो ना वो बाहर जो ना वो एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो ना आलू और प्याज जो कि बाज़ार के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है, चाहे वो दुकान से आप खरीदें या किसी शॉपिंग मॉल से जाकर खरीदें, कहीं से भी आप खरीदारी करें। और साथ एक ही दुकानदार चीज़ बताते हैं यार मंडी से चीज़ महंगी आ रही, मैं आपको सस्ती कैसे दूंगा। तो कंप्लीट आप लोगों ने वीडियो देखनी है और आज आपको रेट मिलेंगे यहाँ पर जो ना आलू और प्याज के। इस वक्त जो ना मार्केट में आज हफ्ते का दिन है और आज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो ना आलू और प्याज के क्या रेट चल रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने कम्प्लीट देखना है क्यों, और ये होल सेल के रेट हैं। अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं और आप इस पूरी कम्प्लीट मंडी का विजिट करेंगे तो बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आलू और प्याज के, आलू प्याज लहसुन और अदरक के यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े शेड नज़र आएंगे। ये बड़े बड़े आड़ थी जिनको बड़े बड़े आड़ थी जो मंडी का किंग होता है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मन का रेट बताया जाता है और साथ ये भी बता दूँ कि मन का रेट के साथ साथ आपको पूरी की पूरी बोरी का वजन बाद में किया जाता है, लेकिन पहले मन का रेट फिक्स किया जाता है कि मन आपको कितने का मिलेगा, उसके बाद फिर बोरी का वजन किया जाएगा। तो बोरी में कितना मौजूद हो सकता है, 100 kg भी हो सकता है, 120 kg भी हो सकता है, तो वो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। बहुत सारे दुकानदारों से बात करेंगे ताकि हमें रेट पता चल सके कि इनके पास जो क्वालिटी मौजूद है वो क्वालिटी किसकी है और कितने उसका आगे रेट मार्केट में क्या होगा जी। नाजरीन, जैसे हमारे सामने यहाँ जो ना बराबर में जो ना वो बड़े आड़ती मौजूद हैं, इनसे मेरी बात भी हो चुकी है। सर, आपने ये कितने 1800 रुपये का बताया, ये 1800 रुपये का मन है, देख सकते हैं 1800 रुपये का मन है इस क्वालिटी का, माशाल्लाह से नया आलू। और ये वाला जी सर रवेरा, ठीक है, जम्बो साइज है, देख सकते हैं ये वाला 1800 रुपये का मन सेल करें। और ये वाला आपको यहाँ पर इसके बराबर में 1700 रुपये का मन मिलेगा। बोरी का वजन बाद में किया जाता है, मन का रेट फिक्स किया जाता है, जब आपका मन का रेट फिक्स हो जाएगा फिर बोरी का वजन किया जाएगा। तो सर बोरी तकरीबन कितने के जी की हो जाएगी ये वाली? 58-60 किलो देख सकते हैं, डेढ़ मन इसका वजन हो सकते हैं। वो वाला 110-115 किलो इसका भी वजन है, देख सकते हैं। और ये वाला तकरीबन 60 kg इसका बन जाता है, 58-60 kg, 1800 रुपये भी है और यहाँ पर 1700 रुपये मन भी चल रहे हैं। आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको, जाकर 4 से 5 दुकानदारों से बात करेंगे, उनके पास भी रेट लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो ना वो प्याज भी मौजूद है, प्याज के भी रेट इनसे मालूम करते हैं। सर प्याज भी आपके पास ही है? सर प्याज, प्याज के रेट बता दीजिएगा, ये वाला प्याज किस तरह मन मिलेगा? 5900 रुपये का मन मिलेगा, ये वाला 5900 रुपये का मन, इस क्वालिटी का प्याज 5900 रुपये का मन है। और ये वाला सर ये पूरा 6000 का मिलेगा, ये 6000 रुपये का मिलेगा, 5900 रुपये, 6000 रुपये, देख सकते हैं इस क्वालिटी का माशाल्लाह से प्याज है। और ये वाला 6000 रुपये मन मिलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कराची सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ से रेट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर जो ना होल सेल के, कि यहाँ पर जो आलू और प्याज है इसकी क्या रेट चल रहे हैं। तो ये वो प्याज है जो टॉप की क्वालिटी का प्याज है, इसमें हल्की क्वालिटी का प्याज भी जो आगे जाकर आगे ठेले वाले जो छोटे दुकानदार हैं वो भी सेल कर रहे थे, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसके यहाँ पर मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं जो आप तक चीज़ पहुँचाई जाती है। ये तो वो प्याज है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्याज है। यहाँ पर सर इसके इसके क्या रेट चल रहे हैं आज? ये 2800 रुपये का, ये कौन से वाला प्याज है? कट वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? जोड़ वाला, जोड़ वाला, ये जोड़ वाला प्याज है, देख सकते हैं ये जोड़ वाला प्याज है, देख सकते हैं बीच में से ये जोड़ वाला प्याज है। और ये वाला 2700 रुपये का मन चल रहा है, 2700 रुपये का, 40 kg का रेट है, 2700 रुपये। और सर ये वाला जो प्याज है ये 6000 रुपये का, ये भी प्याज है जो बैक साइड पे पड़े हुए थे, वो 6500-900 रुपये बता रहे हैं और ये भी यहाँ पर 6000 रुपये बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी 100-150 रुपये छोड़ देते हैं जब आप खरीदारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह पर और जो ना आलू भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आज आलू के क्या रेट चल रहे हैं आपके पास? उनके पास है, आपको इसका रेट का नहीं पता, चले कोई बात नहीं, ये बराबर में भाई बैठे हैं, यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या आलू के रेट चल रहे हैं, ताकि आलू के रेट हमें कन्फर्म हो सके कि पूरी मार्केट के अंदर उसका एक ही रेट चल रहा है। नाजरीन, देख सकते हैं हमारे ये जो आलू मौजूद है आपने आवाज़ भी सुन ली होगी, और ये वाला 1500 रुपये का मन सेल हो रहा है, 1500 रुपये का, 40 kg का रेट है। देख सकते हैं कि आपके सामने आलू कितना ज़्यादा नया आलू सस्ता हो चुका है। यहाँ पर खरीदार भी खड़े हैं, यहाँ पर जो ना लेबर भी इनकी अपनी भी खड़ी है, रश ज़रूरी नहीं कि सारे खरीदार ही खड़े हैं, रश ये भी है कि इनकी अपनी लेबर भी होती है जो कि यहाँ पर इनके पास काम कर रही होती है। और ये देख सकते हैं कि ये 1500 रुपये का मन सेल कर रहे थे, लेकिन मार्केट के अंदर इसका मतलब है कि आज 1500 से लेकर 1800 रुपये तक इसके रेट चल रहे हैं। फुलकारा प्याज यहाँ पर मौजूद था, वो वाले को दिखाया था कि 2700 रुपये का। सर इसके क्या रेट चल रहे हैं आज? जी सर
3200 रुपया 3200 रुपया 3200 रुपये का इस क्वालिटी का प्याज माशाल्लाह से मार्केट में 3200 रुपये का 40 kg सेल हो रहा है। 3200 रुपये का देख सकते हैं इस क्वालिटी का प्याज माशाल्लाह से। आप मुझे नहीं पता कि आपके साथ जो दुकान आपके इलाके में जो आपको जो ना वो जो बेचने वाले आ रहे हैं वो किस क्वालिटी का प्याज लेके आ रहे हैं, तो प्याज की क्वालिटी भी साथ चेक कर लिया करें कि सिर्फ रेट ना चेक किया करें। इस क्वालिटी का प्याज 3200 रुपये का मंथ सेल हो रहा है माशाल्लाह से, देख सकते हैं यहाँ पर खरीदार भी मौजूद है, साथ साथ जो ना वो लेबर भी मौजूद है, इनकी काम हो रहा है। साथ साथ कोशिश करें कि कैमरे के नज़दीक आने की ताकि जो रेट वो दुकानदार बताए तो ताकि उसी के ऊपर जो ना उसको फिर घेर लिया जाए। तो जो छोटे दुकानदार होते हैं वो कैमरा मैन के साथ साथ इसलिए हो जाते हैं वीडियो बनाने वाले के साथ साथ, ताकि जो ना वो जूँ ही दुकानदार रेट बताते हैं फिर उसको बोलते हैं भाई आप मुझे दो, तो फिर उस तरह की वो बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन कोशिश करेंगे हम अपने काम पर फोकस करेंगे, वो अपना काम खुद करके जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर जो प्याज मौजूद है माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी का प्याज है, इनसे भी रेट मालूम करते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वजन है। सर आज प्याज के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर? 6500 5500। ये वाला कितने का होगा? ये वाला साढ़े छः हज़ार रुपये का। देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का प्याज है, लेकिन देख सकते हैं कि प्याज जो है मुख्तलिफ क्वालिटी का भी है, साथ साथ जो है क्वालिटी भी डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन ये जो प्याज है ये वाला 6500 रुपये का यहाँ पर मन सेल हो रहा है माशाल्लाह से। आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है आलू और प्याज के साथ जो है लहसुन और अदरक को भी जो है वो ऐड करूँगा। लहसुन और अदरक के रेट आपसे शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा उनसे रेट लेने की, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी लेट होती है, वो 9 बजे के बाद जो है स्टार्ट होती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सवेरे आ चुका हूँ और तकरीबन सुबह के 8 बज चुके हैं। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको इस वक्त की यहाँ पर क्या सूरत हाल है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखते रहना है। नाजरीन देख सकते हैं मैं कराची सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आपसे रेट शेयर करूँ। यहाँ पर आलू प्याज लहसुन और अदरक के, यहाँ पर जो अदरक मौजूद है इस थैली के अंदर आप देख सकते हैं ये वाली थाईलैंड की अदरक है, और ये कल जो है वो कल के रेट थे, आज अभी तक ये ओपन नहीं हुआ, अभी तक इनसे जो है बात नहीं हो पा रही क्योंकि इनकी जो है वो टाइमिंग 9 बजे के बाद शुरू होती है। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है कहीं किसी भी टाइम ये बोली स्टार्ट हो जाती है। कल का जो रेट था ये तकरीबन 11000 रुपये की यहाँ पर मन के हिसाब से सेल हुई है। 40 kg का रेट था 11000 रुपया, और ये थाईलैंड की अदरक है और ये इसकी 11000 रुपया मन का रेट था कल का, लेकिन आज का रेट अभी तक नहीं मिले। आगे जाऊंगा यहाँ पर एम अकरम वाले हैं, बहुत बड़ी उनकी शॉप है, यहाँ पर उनके पास भी जाऊंगा, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर की क्या सूरत हाल, आज कितना माल उनके पास आया। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक और कंप्लीट देखना है। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक शेड है, यहाँ पर एक शेड है इस तरफ बड़े, और इस तरफ बैक साइड पर फिर चौथा शेड भी है। तो मैं पूरी मार्केट आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ। सिर्फ एक चैनल है जो मेरा चैनल है जो आपको जो है ना कंप्लीट वीडियो यहाँ से देता है, चाहे वो लहसुन अदरक की हो, आलू प्याज की हो, सब्जियों की हो, फ्रूट की हो, सिर्फ एक चैनल है जो कि पूरी मार्केट को कवर कर रहा है। चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर किया करें, ताकि मुझे जो है ना वो मेरे जो है वो इसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो भी ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, तो हमारे तो सब्सक्राइबर हैं ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन आपकी पूरी सपोर्ट हमारे साथ, इसलिए आप हमारे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, BSSI एम अकरम वालों के पास जाता हूँ। ये बहुत बड़े यहाँ का डीलर है जिसको आर्थिक कहा जाता है, जिसके बाद लहसुन और अदरक आपको मिलती है, वहाँ पर जाता हूँ, वो भी आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ये अभी नाजरीन देख सकते हैं मैं मंडी में जो है विजिट कर रहा हूँ, आपके साथ साथ रेट शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे कोई चीज़ अच्छी नज़र आती है या उसके रेट मुझे प्रॉपर नज़र आते हैं तो मैं आपसे वो भी साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो प्याज आप देख सकते हैं इस क्वालिटी का प्याज है माशाल्लाह से, ये वाला 4800 रुपये का मन सेल हो रहा है, 4800 रुपये का मन सेल हो रहा है इसके बराबर में। सर इसकी क्या रेट है? ये 4 बोरी है, ये 4800 रुपये वाली, वो जो सामने पड़ा वो वाला 2 बोरी है, कल सारा बिक गया है, वो 4500 का है, वो 4000, वो सारा बिक गया, अब सिर्फ 2 बोरियाँ रह गई हैं, इसकी सिर्फ 4 बोरियाँ रह गई हैं 4800 वाली, और देख सकते हैं वो वाला बिक चुका है, वो वाला 4200 रुपये का, और ये वाला 2800 का आपने बताया था, 2800 रुपये का। लेकिन यहाँ पर जो रेट होता है वो मन का होता है, उसके बाद जो ना बोरी जो ना वो वजन किया जाता है। देख सकते हैं मैं आपको एक प्याज निकाल के दिखाता हूँ, और इस क्वालिटी का प्याज यहाँ पर 2800 रुपये का यहाँ पर मन भी सेल हो चुका है। यहाँ पर ये वाला 4200 रुपये का मन है, इसकी इनके पास सिर्फ 2 बोरियाँ रहेगी। तो मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब मंडी में विजिट करें तो सिर्फ आप एक दुकानदार के पास नहीं विजिट करें। देख सकते हैं कि यही वही प्याज है जो मुख्तलिफ जगहों पर 6000 रुपये का सेल हो रहा है, लेकिन इनके पास जो थोड़ा रह गया, अब इसको निकालने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कि मंडी में आप कंप्लीट विजिट किया करें, बहुत सारे दुकानदारों के पास जाएं, फिर आपको जाके पता चलेगा कि किसके पास आपको मुनासिब मिलेगा, फिर आप उसके पास से ख़रीदारी कर लीजिएगा। नाजरीन देख सकते हैं मैं कराची सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और आपसे रेट शेयर करूँ यहाँ पर जो ना वो लहसुन अदरक आलू और प्याज के होल सेल के। यहाँ पर जो अदरक मौजूद है मैंने आपको पहले भी शेयर किए तो वो आपको देख सकते हैं कि 11000 रुपये की मंथ, लेकिन यहाँ पर जो अदरक है
अभी भी यहाँ पर जो ना वो बोली स्टार्ट नहीं हुई। अब इस तरीके से जो ना ऐसे ऐसे दुकानें खुलती जा रही हैं, यहाँ पर जो अदरक मौजूद है ये वाली कल तकरीबन 12,000 रुपये की मन सेल हुई है। 12,000 रुपये की मन है, आज इसके क्या रेट हैं लेकिन नहीं बता सका, लेकिन कल के जो उसके रेट थे जुम्मतुल मुबारक की वो तकरीबन 12,000 रुपये की मन सेल हो रही थी। यहाँ पर जो लहसुन मौजूद है ओरिजिनल चैनल लहसुन मौजूद है, इसके रेट मैंने मालूम करने की कोशिश की लेकिन नहीं रेट बताया, कह रहे हैं कि यार नहीं कल ये सेल नहीं होगा, कल इसकी बोली नहीं लगी, तो इसलिए मैं भी आपसे मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन आगे जाऊँगा बड़ी दुकानदार पर जा रहा हूँ जिनको एम अक्रम कहा जाता है, उनके पास पहुँचते हैं, अगर वहाँ से हमें रेट मिलते हैं तो वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। जी नजरीन देख सकते हैं मैं कराची सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बड़ी होल सेलर जिसको जो ना एम अक्रम तरीन कहा जाता है, आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ पर जो ना इनका बेहतरीन बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ पर आपको लहसुन भी मिलेगी, यहाँ पर आपको अदरक भी मिलेगी, यहाँ पर आपको हर एक तरह का जो ना लहसुन मिल सकता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो जो ओरिजिनल चैनल हो। यहाँ पर ओरिजिनल चैनल मौजूद है, ये 20-20 किलो के जो ना थैले होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और ये वाला कल का रेट था जो 9,200 रुपया यहाँ पर मन सेल हुआ, 9,200 रुपया 20 किलो का सेल हुआ है ओरिजिनल चैनल के रेट थे। देसी के रेट जो ना यहाँ पर अभी एक्चुअल बंद पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर इनके जो वर्कर मौजूद है उनसे मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने मुझे एक का रेट तो बता दी। जब उनको पता चला कि यार मीडिया से तो फिर जो ना वो रुक, जो उन्होंने बोला नहीं आप मालकान आएंगे तो उनसे बात करिएगा तो वो आपको ज़रूर आपसे जो ना ओरिजिनल रेट आज के शेयर करेंगे। लेकिन अगर मैं उनके इंतजार में रहा तो मेरे ख्याल में जो ना वो 11-12 मुझे यहीं पर बच जाएंगे मंडी में। मैं आपसे रेट शेयर करूँ यहाँ पर जो ना वो होल सेल के लहसुन के, अदरक के, आलू और प्याज के। आगे चलते हैं एक जगह से और जो ना आलू और प्याज के रेट आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको जो छोटी क्वालिटी का प्याज होता है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, उसके क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर ज़्यादातर ठेले वाले वो छोटे छोटे प्याज ही रख के सेल कर रहे होते हैं, वो भी आपसे रेट शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अभी नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं शॉप के देख सकते हैं कि शॉप बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, थोड़ी सी जगह थी अंदर आने के लिए, मैं अंदर आ गया, आपको बाहर निकल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये दुकान का क्या नाम है, एम अक्रम तरीन इसका नाम है जी। और यहाँ पर आकर आप लहसुन और अदरक आप बहुत आसानी से खरीद सकते हैं, ये इनकी जो आप देख सकते हैं इनके बाहर ये मार्का लगा हुआ है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से यहाँ से आके लहसुन और अदरक यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। नाजरीन देख सकते हैं हमारे सामने ये जो ईरानी आलू मौजूद है, आज मार्केट में थोड़ा सा महंगा चल रहा है, जो 2,900 रुपये 3,000 रुपये का मन सेल हो रहा था, आज ईरानी आलू के रेट थोड़े से जो ना ऊपर गए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कम नज़र आया, बहुत कम दुकानदारों के पास मैं गया लेकिन मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। आखिरकार मैंने फिर दुकानदार को सर्च कर लिया जिनके पास ये पड़ा हुआ था, आज इसके रेट जो है तकरीबन 3,400 रुपये का मन सेल हो रहा है। आज इसके जो रेट हैं 40 किलो के ईरानी आलू के वो 3,400 रुपये का 40 kg सेल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जी, एक जगह से प्याज के रेट और मालूम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो ना वो आप ख़रीदारी कैसे कर सकते हैं, मंडी में आप कब तशरीफ लेकर आएँ, तो वो भी मैं आपको आखिर बार अभी वीडियो के ज़रूर बताऊँगा। नाजरीन देख सकते हैं हमारे सामने ये जो आलू मौजूद है माशाल्लाह देख सकते हैं, इस क्वालिटी का जो आलू आज मार्केट में 800 रुपये का मन सेल हो रहा है, 800 रुपये का मन आपने बताया, 800 रुपये का मन सेल हो रहा है ये इस क्वालिटी का आलू जो है ना 800 रुपये का मन सेल हो रहा है। यहाँ पर जो ना लाल वाला आलू मौजूद है जो चिप्स में इस्तेमाल होता है, और ये वाला 2,000 रुपये का आपने बताया, 2,000 रुपये का मन है, और ये वाला नया आलू 1600 रुपये का, ये वाला 1600 रुपये का मन है, और ये वाला जो आपको दे सकते हैं यहाँ पर जो लाल आलू आपको दे सकते हैं ये चिप्स वाला आलू, ये वाला आज मार्केट में 2,000 रुपये का मन सेल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बराबर में भी एक दुकान है, उनके पास भी जाते हैं, यहाँ पर इनके पास जो है ना वो प्याज मौजूद है, छोटे छोटे प्याज मौजूद है और छोटे छोटे यहाँ पर नया आलू भी मौजूद है। सर इसके क्या रेट चल रहे हैं, इसका कोई मालूम नहीं है, इसकी आपके पास कोई मालूम इनके इन यहाँ पर किसके पास मालूम आता होंगी, चल इनके पास आते हैं यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है नया आलू मौजूद है लेकिन बहुत छोटी छोटी क्वालिटी के, सर इसके ये छोटी क्वालिटी का आलू है, इसके आज क्या रेट चल रहे हैं, 1,000 रुपये मन चल रहा है, ये वाला 1,000 रुपये का मन बिक रहा है, ये नया आलू यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन साइज का बहुत छोटा दाना है और 1,000 रुपये का मन सेल हो रहा है। प्याज का क्या रेट है सर, 3,800 रुपये दे सकते हैं। सर आपकी मशहूरी आ रहा था यहाँ पे, मशहूरी दे सकते हैं यहाँ पर, मशहूरी ये वाला यहाँ पर, हाँ बस यही मिला जुला ही है, मिला जुला ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो प्याज था ये तकरीबन 2,800 रुपये का, 3,000 रुपये बता दें लेकिन 2,800 रुपये का आपके साथ रेट फिक्स हो जाएगा, लेकिन मन का रेट बताया जाएगा, वजन बोरी के बाद में किया जाएगा, बोरी 100 kg की भी हो सकती है, 110 की भी हो सकती है, 120 की भी हो सकती है, लेकिन पहले मन का ही रेट बताया जाता है। और 1,250 रुपया 1,250 रुपया बताया, 1,250 रुपये इस क्वालिटी का जो आलू है मार्केट में नया आलू, ये वाला 1,250 रुपये का यहाँ पर जो ना वो मन सेल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अभी ऐसे दुकानदार यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो बहुत आप आसानी से ख़रीदारी कर सकते हैं, घर के लिए भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर के लिए इतनी बोरी आप क्या करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं जो आगे जाके बाज़ारों में सेल कर रहे हैं, वो जब यहाँ से ख़रीदारी करके ले जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर किस रेट से मिल रहा है, आगे जाके और कितना उसके ऊपर जो मुनाफा कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं,
तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाकों में आके जाके आलू और ये प्याज कितने का आपको मिल रहा है। तो मैंने आपको तमाम क्वालिटी दिखाई है, मैंने आपको तमाम क्वालिटी दिखाई है, उसके साथ साथ आपको मैंने तमाम रेट भी शेयर किए हैं कि इस क्वालिटी का जो आलू है, जो इस क्वालिटी का प्याज है, वो आके यहाँ पर आपको कितने का मन पड़ रहा है, कितने का किलो पड़ रहा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।